बॉलीवुड के मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर करीम मोरानी की बेटी शजा मोरानी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अब उनकी दूसरी बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस जोया मोरानी का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस जोया मोरानी को कोरोना के लक्षणों को देखते हुए अस्पताल में एडमिट करवाया था। उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट आइसोलेशन ICU में शिफ्ट किया गया है। बता दें दोनों बहनों का इस समय इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। बता दें जोया बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रह चुकी है। जोया मोरानी का जन्म 29 मार्च 1988 को हुआ था। कुछ समय पहले ही वो 32 साल की हुई थी। वे लगभग एक दशक से बॉलीवुड में सक्रिय हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने बेहद कम ही फिल्मों में काम किया है। जोया के पिता करीम मोरानी बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के करीबी हैं। बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि जोया मोरानी ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी। वो थी शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम। बता दें साल 2011 में जोया ऑलवेज कभी कभी फिल्म का हिस्सा थी। आपको बता दें जोया मोरानी फिल्म निर्माता हैं। दोनों बहनें परिवार के साथ जुहू में रहती हैं। बता दें इससे पहले बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, लेकिन इलाज के बाद वे घर लौट गई हैं। करीम मोरानी की बात करें तो वे बॉलीवुड के मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने शाहरुख की फिल्म रावण और चेन्नई एक्सप्रेस के अलावा और भी कई फिल्में प्रोड्यूस की है।